नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां नीलम और करिश्मा इस समय प्लान बनाती हुई नजर आएंगे कि आयुष की वापसी हो रही है और आयुष को किसी भी तरीका से आखिरकार ऐसा कुछ पता नहीं होना चाहिए लक्ष्मी के बारे में या किसी भी तरीका से, क्योंकि लक्ष्मी को फेवर ना ही करे तो ही ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से आयुष को लक्ष्मी की याद आएगी, ये एक रियलिटी है इस समय की, ये एक बेहद बड़ा सच है। और ये एक ऐसा सच है कि जो जल्दी ही आखिरकार आयुष को भी पता लगता हुआ नजर आएगा कि आखिर रियलिटी यानी हकीकत क्या है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हर एक कहानी के पीछे बहुत बड़ी विजुअलिटी भी देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से आयुष वहां पर जाएगा जहां पर इस समय ऋषि मौजूद है। जी हां, लक्ष्मी के गांव में ऋषि मौजूद है, सालू मौजूद है, लक्ष्मी मौजूद है, वहां पर आयुष भी जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों आयुष एक ऐसा शख्स है कि जो अब अपनी प्रेजेंटेशन खुद ही देता हुआ नजर आएगा। आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है शायद वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन अब जो वास्तविक होने जा रहा है वो घना ही ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। क्योंकि आयुष मनाएगा इस समय जाकर सालू को। जी हाँ, क्योंकि आयुष को पता है कि लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं मानने वाली, इसलिए शायद पहले आखिरकार सालू को मनाना पड़ेगा और सालू और उसके बाद में मिलकर, जी हाँ, उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि को एक दूसरे के साथ में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आयुष को इतना तो पता है कि जो हो रहा है वो बेहद ही ज़्यादा गलत हो रहा है और वो होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी कारण से देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर एक चीज़ के पीछे एक बेहद बड़ी विजुअलिटी देखने को मिली हुई है दोस्तों। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे बेहद बड़ी कहानी छुपी हुई होती है दोस्तों। मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत 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 धन्यवाद गाइस।